हाय, मैं हूँ इरशाद और आज मैं 8 क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ लैंडस्केप। इससे पहले मैंने बताया था 5 मेन सेट्स, उसके बाद मैंने बताया था पोजीशन, सेडिंग का पोजीशन बताया था मैंने, जो अंडर पाम पोजीशन और राइटिंग पोजीशन का। चलिए अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ लैंडस्केप सीखने के लिए जा रहा हूँ, कैसे बनता है इस पर ध्यान दें। इस पर जो सेडिंग होता है वो सेटिंग किस तरह से करेंगे जो एकदम परफेक्ट दिखेगा। चलिए अब इस बार आते हैं सेटिंग सीखने के लिए और लैंडस्केप बनाने। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि बच्चे जो लैंडस्केप बनाते हैं, जो बच्चे हैं वो इस तरह का बनाते हैं लैंडस्केप। ये इस तरह से रॉक बनाते हैं, यहाँ आपका इस तरीके से आपका सन बनाते हैं, दूसरी बात की यहाँ से ऐसा रिवर बनाते हैं। देखिए जो नर्सरी के बच्चे हैं एकदम छोटे, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट सही है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ही सही है। और क्योंकि बच्चे जानते नहीं है उतना, कलर भी नहीं पहचानते हैं, इसलिए उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, वो क्योंकि वो सीख रहे हैं कि इस तरीके से पहाड़ होता है रॉक, इस तरीके से रिवर। लेकिन जो बड़े हो गए क्लास 2 से ऊपर जा रहे हैं 3, 4, 5, 6 और बाद बाकी जो बड़े लोग हैं जो आर्ट बनाने के लिए सीखना चाहते हैं लैंडस्केप बनाने के लिए, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। उनके लिए समझना होगा कि लैंडस्केप किस तरीके से बनता है। अब रॉक बनाते हैं तो रॉक कहीं भी एकदम स्ट्रेट लाइन वाला रॉक कभी नहीं होता। कोई भी पहाड़ वहाड़ बनाते हैं तो स्केचिंग करना मेन मायने नहीं रहता है, सेटिंग करना मेन रहता है। स्केचिंग को हम इस तरीके से बिना देखे भी, आपका देखिए आपकी तरफ देख रहा हूँ और जैसे भी खींच रहा हूँ इस तरीके से मेन है सेटिंग। बिना देखे मैंने ये लाइन डाल दिया। अब जो मैं सेडिंग कैसा करूं कि ये एकदम पक्का सही एकदम परफेक्ट लगे, अब ये ध्यान रखना। मैंने देखा नहीं कि लाइन कैसा जा रहा है, आपकी तरफ देख करके इधर लाइन डाला। चलिए अब इस पर हम सेडिंग करते हैं। अब देखिए अलग अलग पार्ट में ये दिखने लगा, एक साइड डार्क दिए। आप अगर पेंसिल सेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि अंडर पाम पोजीशन लेना होगा, इस तरीके से पेंसिल पकड़ के उसके बाद हैंड प्रेशर का यूज करते हुए इधर डार्क इधर लाइट, इसके पहले के क्लास में जो मैंने सिखाया है उसको यूज करना होगा पेंसिल। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, तो एकदम प्लेन रॉक कभी होता नहीं है, तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर हाई डार्क डालेंगे। अब देखिएगा आपको कैसा दिखने। देखिए आप किस तरीके से निकल गया, पहले मैंने एक साइड डार्क किया, एक साइड लाइट, फिर उसके ऊपर जो ये भी डार्क सेट जो दिया है, तो अब उससे क्या होगा कि पहाड़ की ऊंचाई नीचाई ये सब जो है, जहाँ ऊंचा है कहाँ गड्ढा है, वो सब इस टाइप से बन गया, खुद बखुद तैयार हो गया। देखिए कितना मस्त लग रहा है। अब क्या करना है, अब जो है अभी इसके ऊपर चलिए अब हम रिवर बनाएंगे। तो रिवर कहाँ से बनेगा, दो पहाड़ के बीच से निकाल रहे हैं, तो ये है आपका ये पहाड़ आया है। आप चलिए अब देखिए यहां से निकाला मैंने, देखिए अभी इसको मैं किस तरीके से रिवर बना रहा। अब ये देखिए ये जो है ये रिवर का पोजिशन है, तो इसका मुझे ऊंचा जमीन है, अभी इसका ये कट निकाला है और इधर का इधर चलाया। अभी इसको ये जो कट है इसके अंदर साइड का अब हम डार्क लें,
और ये है इधर का लाइट, फिर इधर अंदर से एक का डार्क ग्रीन और इस साइड का लाइट। अब इसके ऊपर देख लीजिए भी इस तरीके से अब हमको लाइनिंग तैयार कर देना है, ये सेटिंग डार्क सेटिंग कर देना। देखिए बिना वर्क क्या है कि किस तरीके से मैंने बना। अब देखिए अभी इस पर क्या करेंगे, अभी इस पर जो है सेटिंग इस तरह का पहले ले लेंगे। अब रॉक का जो सेटिंग था अब उसको अब नीचे उतारा ताकि धीरे धीरे नीचे प्लेन सरफेस में मिलता हुआ दिखे। इधर का भी इसी तरीके से अब प्लेन दिया। अब देखिए अब अंदर साइड का जो रिवर है उसमें देखिए एकदम हल्का सेटिंग करेंगे। अब ये जो मार्जिन है अब उसका रिवर का जो किनारा है ये अब उसका हल्का शैडो करेंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आया उसी तरीके से टेढ़ा जान लेंगे। देखिए इसके नीचे एक लाइन चलाना है आपको अलग से, बीच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए तभी इसका शैडो तैयार होगा। ऊपर से जिस तरह से नीचे से ऊपर गया जस्ट इसका अपोजिट साइड। अब हल्का हल्का इसके ऊपर इस और ये जो शैडो बनाया है इसके ऊपर भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर नहीं चढ़ाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये जो लाइनिंग डाल रहे हैं। देखिए आपका लैंड स्केप तैयार हो गया है लेकिन ऊपर का कुछ काम बच गया है। ये देखिए स्काई भी बन गया। अब जो है देखिए आपका इस तरीके से जो है लैंड स्केप तैयार हो गया और एकदम सिंपल प्रोसेस है लैंड स्केप बनाने का। आप अगर ये सेटिंग किस तरीके से किया है मैंने आपने देखा अच्छे तरीके से बिना किसी परेशानी के आराम से रिवर अगर बनाया तो रिवर का मार्जिन जो है इस तरीके से जो निकलेगा वो तैयार किया, इस तरीके से शैडो डाला, इस तरीके से आप पेंसिल सेटिंग करके आराम से बना सकते हैं। एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट का शेड्स डालना होगा, स्काई किसी तरीके से डाला है देख लिया। अब आप अपने अंदर खुद इमेजिन कीजिए कि हमको किस तरह का मुझे लैंडस्केप पसंद है, इस तरह का लैंडस्केप देख रहे हैं। यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर रॉक है। आप खुद इमेजिन कीजिए, इमेजिन कर करके आप उसका स्केचिंग कीजिए और मेन क्या है पेंसिल शेडिंग। ये जो अंडर पाम पोजिशन से शेडिंग किया है ये मेन है और यही चीज आपका राइटिंग पोजिशन से भी बांध सकता है दोनों से, लेकिन वो जो फाइव मेन सेट्स है उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको हमेशा ही। और यही चीज इसको किसी भी पेन से बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। चलिए इस तरीके से आप दूसरा लैंडस्केप बनाने का कोशिश कीजिए। रिवर कैसे बना वो देख लिया, आपका जो लैंड है वो कैसे बना वो देख लिया, रॉक कैसे बना वो देख लिया, स्काई कैसे बना वो देख लिया। अब लैंडस्केप होता है क्या, इसी में थोड़ा आगे पीछे होता है, कहीं पर स्टोन बना दे रहे हैं, कहीं कुछ बना दे रहे हैं, कहीं कुछ बना दे रहे हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए अलग से स्टोन बनाने का। और सब चीज का सेटिंग करने के बाद आप देखिए कि कैसा लग रहा है, उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद आप जब खुद से लैंडस्केप बनाएंगे तो उसमें आप अपने तरीके से स्टोन या वाटरफॉल या जैसा चाहे या फिर किसी ह्यूमन का साथ में एनिमल इसमें जोड़ दीजिए। लैंडस्केप का मेन क्या है, लैंडस्केप में मेन है लैंड, लैंड आपका दिख रहा, और ये जो रॉक है और रिवर है ये सब उसका श्रृंगार है।
ये नहीं बनाएंगे तो आपका लैंड अच्छा ही नहीं लगेगा। तो लैंडस्केप में ये सब बनाते हैं, इसमें मेन क्या होता है, लैंड होता है। लैंड स्केप में लैंड का स्केप होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।